दोस्तों मैं फराज मलिक। रात के 9 बज चुके हैं और अब तक तकरीबन सारे लोग अपने कामों से फ्री हो चुके होंगे। जो लोग अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो पहले काम निपटा लो, वीडियो बाद में देख लेना। जो लोग फ्री हैं वो लोग आराम से बैठकर वीडियो देखें। वैसे तो आजकल हमारे देश में सारे लोग फ्री बैठे हैं, काम धंधा तो है नहीं लोगों के पास, रोजगार तो बचा नहीं है देश में, तो लोग ज्यादातर फ्री बैठे हुए हैं। चलो रोजगार की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, रोजगार मांगने की बात करेंगे तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। खैर इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अब तक ये टॉपिक सुन चुके हों, लेकिन इस टॉपिक को हम कुछ नए तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, कुछ नई बातें इस टॉपिक में ऐड करेंगे। दोस्तों 3-4 दिन से आप लोग सोशल मीडिया पर लाइक डिसलाइक का खेल देखते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से बता दूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब महीने के लास्ट में एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है मन की बात। तो अगस्त के महीने में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात की और उनकी जो मन की बात का एपिसोड था वो एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है उस पर अपलोड किया गया। वैसे तो हर महीने प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का एपिसोड होता था जब वो अपलोड किया जाता था यूट्यूब पर तो उसको लाइक ज्यादा मिलते थे, लेकिन इस बार जो मन की बात का एपिसोड पड़ा तो वहां पर भैया 10 लाख डिसलाइक हो चुके हैं। 90% लोगों ने उनके इस मन की बात के एपिसोड को डिसलाइक किया, यानी कि नापसंद कर दिया। कुछ ही लोग ऐसे थे, कुछ लाख, जिन्होंने उसको पसंद किया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि लोगों ने इस चीज को डिसलाइक क्यों किया। भाई मन की बात कार्यक्रम का नाम है मन की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की ही तो बात कर रहे थे। उन्होंने कुत्तों की बात की, उन्होंने मोर की बात की, उन्होंने पर्यावरण की बात की, तो उन्होंने अपने मन की बात तो की ना। जब कार्यक्रम का नाम ही मन की बात है तो वो अपने मन की बात करके चले गए। आप लोगों के मन की बात थोड़ी ना करेंगे। आप लोगों के मन में चल रहा था कि रोजगार की बात करेंगे, परीक्षाओं की बात करेंगे, जेईई की बात करेंगे, नीट की जो परीक्षाएं चल रही हैं जिसको सरकार ने करने के आदेश दिए हैं उसकी बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने ही मन की बात की और वो चले गए। इसके बाद भैया आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी की मन की बात का क्या हश्र हुआ है। चलिए ये चीजें तो आप लोगों को अब तक मालूम हो ही चुकी होंगी। अब इस बात में एक नया मोड़ आया है। 4 दिन हो गए थे मोदी जी की वीडियोस पर लगातार डिसलाइक आ रहे थे, लेकिन हमारी जो प्यारी सी मीडिया है इस मीडिया पर इस बात का कोई भी चर्चा नहीं हो रहा था कि क्यों मोदी जी की मन की बात पर इतने डिसलाइक आ रहे हैं। किसी भी मीडिया चैनल पर इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन कल स्टेटमेंट आया एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी डिसलाइक को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये जो डिसलाइक हो रहे हैं मोदी जी की वीडियो पर, ये डिसलाइक विदेशों से कराए जा रहे हैं। डिसलाइक का जो हमला हो रहा है मोदी जी की मन की बात पर वो कांग्रेस विदेशों से करवा रही है। सिर्फ 2% लोग इंडिया के हैं जो मन की बात को डिसलाइक कर रहे हैं, बाकी 98% लोगों ने विदेश से जो है डिसलाइक किया है मोदी जी की मन की बात को। तो ऐसा कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया तो हमारी रूबिका लियाकत मैम ने फौरन अपने चैनल पर आकर इस बात को रख दिया कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस मन की बात को विदेशों से डिसलाइक करा रही है। बाकी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनता कैसी है। जब उन्होंने इस बात को सुना होगा तो उनके दिमाग में आ गया होगा कि यार देखो हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात को कांग्रेस किस तरीके से विदेश से जो है डिसलाइक करवा रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनता इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनको जो दिख जाता है वो वही मान लेते हैं। लेकिन हकीकत कहां से सामने आती है, जब रूबिका लियाकत ये बात कह रही हैं और उन्होंने अपनी इस वीडियो को यूट्यूब पर डाला, एबीपी न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जब इस वीडियो को डाला तो आप देख सकते हैं कि इनकी वीडियो का हश्र क्या हुआ है। यहां पर कितने डिसलाइक हैं और कितने लाइक हैं आपको साफ साफ दिख जाएगा। अब इस पर जो कमेंट आए थे वो भी आप लोग एक बार जरा देख लें। जो रूबिका लियाकत ने वीडियो डाली थी उसके कमेंट आपको सुना रहा हूं मैं। मोदी जी मैंने 2019 के इलेक्शन में आपके साथ था, पर मैंने भी मन की बात को डिसलाइक किया है। स्टूडेंट का भी बात सुन लो, नहीं तो मिलते हैं अगले इलेक्शन में। ये कह रहे हैं पिंटू कुमार यादव। इसके बाद एक दूसरे क्रिएटिव माइंड, आई ऑलरेडी रिमूव्ड ऑल गोदी मीडिया चैनल इज फ्रॉम माय एयरटेल डिश पैक, सबने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा अभी अकी नाम से एक यूजर है, उन्होंने कहा कि मैंने डिसलाइक किया है, मैं मुंबई बेल्जियम से हूं। मतलब वो विदेशी वाला जो मजाक उस पर उड़ा रहे हैं कि मैं मुंबई और बेल्जियम से हूं। एक यूजर है प्राउड इंडियन, वो कहते हैं कि मैं विदेश का नहीं हूं, दलाल मीडिया वालों। अंकित उपाध्याय कहते हैं तो मोदी जी मिलते हैं अगले इलेक्शन में, अबे ये सारे डिसलाइक एसएससी और रेलवे वालों ने किए हैं, 100% डिसलाइक इंडिया से ही हैं। ये सारे कमेंट रूबिका लियाकत की उस वीडियो पर आए जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि
कांग्रेस जो है विदेश से डिसलाइक करवा रही है मोदी जी की वीडियो पर। तो वहां पर तकरीबन सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे और सब यही कह रहे हैं कि हम इंडिया से हैं और पूरे होशो हवास में ये कहते हैं कि ये डिसलाइक हम ही ने किया है। और कुछ कमेंट वहां पर ऐसे भी थे जो रूबिका लियाकत से लोग कह रहे थे कि आपकी वीडियो पर जो डिसलाइक आ रहा है क्या वो भी विदेशों से हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रोध है ये सिर्फ स्टूडेंट का क्रोध है। स्टूडेंट 1 मिलियन डिसलाइक स्टूडेंट्स ने दिए हैं, जो बेचारे एग्जाम देकर बैठे हुए, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जीडीपी का बहुत बुरा हाल है हमारे देश के अंदर, नौकरियां नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं लोग, तो वही लोग हैं जो गुस्सा निकाल रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने स्टूडेंट्स के लिए शायद कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने मन की बात को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रही है और ये कह रही है कि ये डिसलाइक जो है विदेश से कांग्रेस करवा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और आती है सामने। और बीजेपी ने जो अपने चैनल है भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब पर, वहां पर लाइक और डिसलाइक का बटन भी बंद कर दिया, कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। इसके अलावा ये वीडियो जहां जहां भी मन की बात जिस चैनल पर भी पड़ी आज तक, या पीएमओ का जो ऑफिशियली जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी अपलोड हुआ, तो वहां पर भी सबसे ज्यादा डिसलाइक थे तकरीबन 90%। और पीएमओ इंडिया का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है वहां पर भी कमेंट को डिसेबल कर दिया गया, कमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये एक डिजिटल स्ट्राइक जो स्टूडेंट की तरफ से मोदी जी के ऊपर की गई है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल मची हुई है। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।